तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी के। होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में, हिमाचल प्रदेश के इन हसीन खूबसूरत पहाड़ों से। तो आज के वीडियो की शुरुआत हो चुकी है सुबह के 8 बजे से। अभी मैं जा रहा हूँ अपनी खेत की तरफ, क्योंकि आजकल ना पक्षियों ने और बंदरों ने ना फसल का बुरा हाल करके छोड़ा है। तो अपना रोज सुबह सुबह खेत को ऐसे ही जाना पड़ता है और खेत तक पहुँचने में वॉक भी हो जाता है। बाकी अभी हल्की हल्की यहाँ पे देख सकते हो धूप लगना भी शुरू हो गई है। फिलहाल अभी मैं अपनी खेत की ओर आ गया हूँ। यहाँ से ऊपर अभी अपने खेत शुरू हो जाते हैं। तो इस टाइम ना फसल जब भी पकने को आती है ना, तो बस जंगली जानवरों और पक्षियों से फसल को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये कद्दू की बेल भी देखो कितनी ज्यादा फैल गई है। ये वन हमने वहाँ ऊपर खेत में लगाया था और देखो फैलता फैलता कहाँ पहुँच गया है। बाकी इस पे अभी कद्दू भी लगना शुरू हो गए हैं। बाकी देख सकते हो एक कद्दू यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, थोड़ा बड़ा हो गया है। बाकी एक कद्दू देख सकते हो यहाँ पे हो गया है। तो अब इस पे धीरे धीरे कद्दू लगना भी शुरू हो गए हैं। ये बेल देख सकते हो यहाँ से वहां तक ये पूरी कद्दू की बेली है, देख सकते हो, मतलब पूरी चारों तरफ फैली हुई है, ये देख लो। और बाकी अभी इस टूटे पुल को पार करना है बिल्कुल सावधानी पूर्वक, क्योंकि भाई जैसे ही सावधानी हटी ना तो यहाँ से बिल्कुल समझो दुर्घटना घटी। तो अभी इसको आहिस्ते से लगभग हमने पार कर लिया है। बाकी अभी धूप में हम आ चुके हैं, धूप की थोड़ी थोड़ी किरणें अभी यहाँ पे पड़ रही हैं। अभी देखो मैं किस रास्ते से चला हुआ हूँ। अगर ऊपर हाइट देख सकते हो, ऊपर से अगर जरा सा भी पत्थर आता है तो नीचे वाले बंदे की तो हालत जो होनी है ना, मतलब फिर देखने लायक नहीं रहने वाला वो बंदा। जल्दी से यहाँ से निकलने में ही भलाई है, क्योंकि ऊपर से कभी भी पत्थर पड़ सकता है। तो ये रहा नाला, और नाले को पार करते ही जस्ट बगल में अपने खेत। बाकी अभी खेत में जाने से पहले मुझे अपना फोन भी अपनी जेब में रखना होगा, क्योंकि भाई कल रात को पड़ी थी बारिश काफी खतरनाक वाली। थोड़ी देर रही थी लेकिन काफी जबरदस्त वाली बारिश थी, और उस बारिश के चलते ये जो मक्की की फसल है ना, ये मक्की की डालियां जो है ये पूरी भीगी हुई है। इसलिए स्क्रीन पर पानी ना पड़े, फोन गीला ना हो, फोन को जेब में रखना पड़ेगा और ब्लॉग भी थोड़ा स्टॉप करना पड़ेगा। बाकी मिलते हैं अभी इन खेत में थोड़ा दौरा करके, तो बने रहिए ब्लॉग में। तो अभी फिलहाल मैं अपनी खेत का तीसरा चक्कर लगा के वापस घर के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मम्मी जी आते हैं, पहला राउंड लगा के घर वापस आते हैं, देन उसके बाद फिर पापा जी आते हैं, और फिर उसके बाद ये मेरा तीसरा चक्कर। क्योंकि आजकल ना भाई पक्षियों और जानवरों से फसल बचाना मतलब कितना बड़ा टास्क कंप्लीट करना हो गया है। बाकी फिर क्या ही बोल सकते हैं, जिसके नसीब में जो है उसको वो तो मिलना ही है। बाकी एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था, जो कि आप में से मैक्सिमम लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है कि मेरा एक और चैनल है यूट्यूब पर, जिसपे कि आज के टाइम में अप्रोक्स 100K+ सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी और मुझे भी। सच में भाई 1 लाख सब्सक्राइबर का नंबर बनाना ना बहुत बड़ी बात होती है। और जो लोग कहते हैं ना कि हाँ भाई ये तो बहुत ही आसान काम है, भाई कोई भी कर सकता है, तो वो चीज ना एक कंटेंट क्रिएटर से ही पूछना कि भाई कितना एक आसान है और कितना एक मुश्किल है, वही आपको बेहतर तरीके से बताएगा। वैसे जो मेरा दूसरा चैनल है, वो चैनल मेरा शॉर्ट्स का चैनल है, उसपे मैं शॉर्ट्स मीम्स अपलोड करता हूँ, इसीलिए वो इतना जल्दी जो है ग्रो हो पाया। बाकी यार दिल से खुशी है कि अपने भी 1 लाख हो गए, तो बहुत ही जल्द उम्मीद करूंगा अपने इस व्लॉग वाले चैनल पर भी हम ग्रो होंगे। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बना रहे ना, तो कोई भी चीज मेरे लिए मुश्किल नहीं है, इसीलिए अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखे। A few moments later. दोस्तों अभी ये आटा पिसवा के मैं ऊपर दोबारा घर के लिए निकल रहा हूँ। सीन क्या हुआ कि जैसे ही मैं सुबह यहाँ खेतों का एक चक्कर लगा के वापस घर पहुँचा, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया घर में जाके, फिर उसके बाद दोपहर का खाना वाना खा के जस्ट फिर घर वालों ने ड्यूटी लगा दी आटा चक्की पे से ये आटा लाने की। तो अभी कंधे पे मेरे ये आटे की बोरी है, तो सोचा ब्लॉग भी मैं यहीं से शुरू कर लेता हूँ। वैसे तो ज़्यादा भारी भी नहीं है, 10 किलो की बोरी है, लेकिन भाई देख सकते हो ऐसी चढ़ाई जब हो ना तो 10 किलो की चीज़ भी आपको
उसके डबल वेट की लगने लगती है, इसीलिए इन आड़े टेढ़े रास्तों पे ना कदम बिल्कुल फूक फूक के रखना पड़ता है। और अभी घर से हमारे डंगर भी छूट चुके हैं चरने के लिए। तो फिलहाल अभी मैं ये आटा पिसवा के घर ले आया हूँ, और आटे से ना ये कपड़ों की हालत भी बहुत खराब हो गई है। वैसे अभी फिलहाल वेदर भी ठीक ही है, आसमान में मैक्सिमम थोड़े थोड़े बादल नजर आ रहे हैं, अभी ना ज्यादा धूप है और ना ही ज्यादा बादल है, तो वेदर फिलहाल के लिए अभी थोड़ा ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल टाइम हो रहे हैं अभी शाम के 5, और ये वाली धूप जो है आपको थोड़ी देर ही देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद अभी ये सूरज अस्त होने वाला है। तो आज का ये छोटा सा वीडियो यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा वीडियो में लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और हाँ इंस्टाग्राम का लिंक मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप चाहे तो मुझे फॉलो भी कर सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।